गाइस वेलकम टू अदर बजीज एंड लव चैनल। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कि बजीज के केजेस में ये चीज़ें हमेशा जरूर होनी चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। ये चीज़ें हैं जो बजीज पैरेट के केज में पूरे 12 महीने होनी चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कौन सी चीज़ें। देखो पहली चीज़ तो ये है समुद्री जाक, इसको समुद्री जाक बोलते हैं और इसको कटर फिश भी बोलते हैं। ये एक मछली की हड्डी होती है, ये आप देखिए ये एक मछली की हड्डी होती है और ये देखिए यहाँ से ये बहुत हार्ड होती है, पत्थर जैसी आपको टूटेगी नहीं। और यहाँ से आप थोड़ा पुश करोगे तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा वो हो जाएगी मुलायम, इधर से मोबाइल मुलायम होती है उधर से हार्ड होती है। और ये आपको पैरेट मार्केट से मिल जाएगी। समुद्री जाग इनके मतलब जो पर झड़ते हैं बजीज के और जो कंडम बच्चे पैदा होते हैं वो नहीं होंगे और ये इनको देना बहुत ज़रूरी है गाइस, खासकर ब्रीडिंग के लिए। अगर आप इनको ये चीज़ नहीं देंगे तो आप ये समझ लो आप बजीज पे जुल्म कर रहे हो, मतलब ब्रीडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है गाइस कैल्शियम। गाइस कैल्शियम ब्लॉक मेरे पास ख़त्म हो गया है तो मैं आपको ये फ़ोटो दिख रही है स्क्रीन पर, इसको कैल्शियम ब्लॉक बोलते हैं। और ये कैल्शियम ब्लॉक ये कैल्शियम की कमी पूरी करता है और जंगल में तो ये जड़ी बूटी खाकर कैल्शियम की कमी पूरी कर लेते हैं, मगर यहाँ तो ये केजेस में बंद है तो इनको कैल्शियम देना ज़रूरी है गाइस, कैल्शियम की कमी। और तीसरी चीज़ है गाइस लाहौरी नमक। ये लाहौरी नमक इसको सेंधा नमक भी बोलते हैं, ये आपको किसी भी परसारी की दुकान पे मिल जाएगी या फिर यहाँ दाल मतलब मसाले वगैरह मिलते हैं वहाँ पर मिल जाएगा आराम से, आप उसको बोल देना आप लाहौरी नमक दे दीजिए तो वो आपको दे देगा। और ये पैरेट्स जब ये पैरेट्स उसको चाटते हैं तो उनका मतलब हाजमा बना रहता है और हाजमा बना रहता है गाइस। और अगर ये सेंधा नमक ना मिले तो आप ये काला नमक दे सकते हो, अगर आपको सेंधा नमक वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप एक काला नमक भी दे सकते हो। ये भी फ़ायदे हैं इसके, ये भी अच्छा रहता है, ये भी मतलब सही काम करता है अपना, तो आप ये दे सकते हो, ये भी अच्छी चीज़ है। और चौथी चीज़ है गाइस हमारी चिकनी मिट्टी, इसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। तो ये गाइस चिकनी मिट्टी लेने से पैरेट अच्छी ब्रीड तो करते हैं और अंडे भी ज़्यादा देते हैं और इससे मतलब इससे अंडे भी फर्टाइल होते हैं। आप देख मतलब मैंने देखा है बजीज इसको बहुत शौक से खाते हैं और ये आपको मतलब नदी के किनारे मिल जाएगी, ये आपको नदी के किनारे मिल जाएगी। और मतलब जो लोग गांव से हैं उनको गांव उनको तो पता होगी ये कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती। चलो भाई वही सब लोग बोल दूँगे भाई कितना मतलब कैमरा हिलाते हैं भाई, यार मेरे पास कोई वीडियो बनाने के लिए कोई है नहीं, इस वजह से थोड़ा होता है। चलो इसकी भी मतलब थोड़ा बहुत करूँगा मतलब कैमरा ना हिले। गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खासकर गाइस बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं बस बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उन तक नहीं पहुंचाती। तो गाइस आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहे। और चलो गाइस मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बाय बाय।